दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में पिछले 16 घंटों से बिजली न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में लगी सैकड़ों मरीजों की भीड़, गोद में लिए नवजात शिशुओं को गर्मी से राहत दिलाते हुए लोग और अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज करते डॉक्टर, जमीन पर लेटे हुए जच्चा बच्चा, ओपीडी कार्ड से पसीना सुखाते हुए लोग। यह तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित इकलौते सिविल अस्पताल की, उस शहर के अस्पताल की जो विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। मंटू कुमार से आ रही कि अभी 2-3 घंटे से लाइन में लगे, अभी पर्ची नहीं कट पा रही है, लाइट की समस्या है यहाँ पे, और डॉक्टर भी नहीं देख रहे हैं। जब तक लाइट आएगी तभी तो डॉक्टर देखेंगे। बच्चे का तो सुई तो लग गया, और हमारे साथ पड़ोसन है, उनको मतलब डिलीवरी है, उनको दिखाने के लिए लाए थे। कम से कम 3-4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। डिलीवरी है उनको, अभी तक पर्ची नहीं कटा है। पवन कुमार से, लाइट नहीं है, आती है 11 बजे जनरेटर चालू हुआ है, पर सुबह 5 बजे फिर बंद कर दिया गया, और जब से 9 बजे तक तो लाइट आई नहीं, 9:30 बजे तक। सब जितने उसमें हैं सब परेशान मच्छर की वजह से, यह लाइट के कस्टमर इसमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जब मच्छर खाते हैं इसमें चोट लगी है, मैं इससे खुजा नहीं पाते, परेशानी हो रही है इससे। बहुत ही मुश्किल हुई रात में, ये समझो इतनी मुश्किल हुई, इंसान को सोना ही दुश्वार हो गया। हम इस समय यूपी के रहने वाले हैं, वो मोहम्मदपुर में रहते हैं, झांसा मोहम्मदपुर, यहाँ हम 8 दिन से एडमिट है। ये लाइट की सिर्फ कल हुई और 2 दिन पहले 15 मिनट को लाइट गई थी। दरअसल पिछले 16 घंटे से सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में बिजली गुल है, जिसके कारण ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इमरजेंसी और गायनी वार्ड को छोड़कर बाकी पूरे अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। रविवार शाम से सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में बिजली न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीजों को राहत की सांस लेने के लिए वार्ड से बाहर निकलना पड़ रहा है। SMO डॉक्टर अलका सिंह की माने तो सिविल अस्पताल के अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल में बार बार फोन आ रहा है, जिसके कारण इस तरह की समस्या हुई। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होने के कारण बार बार लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन कल शाम से ही सिविल अस्पताल में बिजली नहीं है। जनरेटर के द्वारा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और कुछ इलाके में बिजली की सप्लाई की जा रही है, और बच्चों के इलाज के लिए काउंटर रूम से बाहर कर दिए गए हैं, ताकि सुचारू रूप से इलाज की सुविधा चलती रहे। हमारी समस्या ये है, हम सुबह 4 बजे से आ रखे हैं रजिस्ट्रेशन कराने अमरनाथ के, सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है, और ना कोई सुनवाई हो रही है, नहीं हुआ अभी तक मेडिकल हुआ नहीं, आप लगा लें 4 बजे से लाइन में लगे हुए, अभी तक नाम बन गया। सर नाम गोपाल, बस सही है, मैं दो दिन से चक्कर मार रहा हूँ, यहाँ 8 बजे से आया हूँ, मैं 8 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ अभी 11-12 बजने वाले हैं, अभी तक कोई मतलब कि लाइट वाइट नहीं आई, ना कोई इशू, कोई बता भी नहीं रहा कि कब लाइट आएगी। सर मैं एक्सरे करवाने आया था, इस पैर में बहुत दिक्कत हुआ। सर आप डॉक्टर है ना, जब आए डॉक्टर ने बैठ जाता है, डॉक्टर किसी को दे देते टोकन, और बात बोलते कि कल आना 8 बजे आप। सर डॉक्टर ने तो कोई इशू बता ही नहीं रहे, कोई ना वहाँ जो भैया बैठे वो भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं मतलब। मेरा नाम कांत है, मैं इनकी वाइफ हूँ। चेकअप होने टेस्ट लिख दिए, पहले हमारा 31 लगेगा हूँ झाड़ता, तो वहाँ तक डॉक्टर ने लिख दिया 10 सेक्टर में लेके जाओ। अब कम से कम 15 दिन हो गए, अभी बोल रहे हैं नए सिरे तक, आज लाइट की दिक्कत हो रही है, उस दिन भी मशीन खराब हो रही थी, इनके कंप्यूटर नहीं चल रहे थे उस दिन इनके, तो ये बताओ हम रोजाना हॉस्पिटल में बैठे रहे। जनरेटर पे चल रहा है, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चल रही हैं, लेबर रूम, निको, कैजुअल्टी, वो अपने अपने तरीके से पहले चल रहा है, जैसे डॉक्टर्स 24 आवर्स हैं यहाँ पे, और DMS भी राउंड ले रहे हैं, तो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और सारी इमरजेंसी सेवाएँ चल रही हैं। OPD भी चल रहा है मैनुअल करके, सारे पेशेंट OPD में देखे जा रहे हैं, और जो स्टाफ नर्स की जो टेबल है अगर अंधेरा है तो हम बाहर कर दिया गया उसे, ताकि पेशेंट्स को और उसके रिलेटिव्स को कोई दिक्कत ना हो। अंडरग्राउंड जो कोई तार है जिसमें फॉल्ट आई हुई है, तो वो काफ़ी देर से लगे हुए हैं, बीच में ठीक हो जा रहे हैं और फिर बीच में ख़राब भी हो रहा है, तो LNT की मशीन आई हुई है, मंगाई गई है, वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगी, उसके बाद ठीक होगी। वजह यही है कि शुरू में किसी को मरीजों को नहीं पता चला, और ये वो कार्ड बने नहीं, कंप्यूटराइज बने नहीं, तो जब मैंने बोला कि सबको मैनुअल किया जाए, तो मैनुअल करके फिर डॉक्टर्स के पास पेशेंट आ रहे हैं, सब देखा जा रहा है, फिर कोई पेशेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी को। तो ये गवर्नमेंट में यही होता है कि डिमांड दी गई है और ऑर्डर्स मतलब ऊपर से उनके सैंक्शन के ऑर्डर्स ले गए हैं। डॉक्टर के जरिए तो OPD वाले पेशेंट कई बार देखे हैं, लेकिन बाहर अब बाहर बैठ के देख रहे हैं जिसमें रोशनी है, तो ऐसा टॉर्च से कुछ नहीं हो रहा। बाकी इमरजेंसी लेबर में आप देखिए, निको में देखिए, और कैजुअल्टी में देखिए, वहाँ इमरजेंसी सेवाएं में वहाँ पे लाइट है,
और AC सब जगह बंद कर दिया गया है ताकि ज़्यादा लोड ना आए इस पर। कल से ऑफ एंड ऑन है, बीच में ठीक हो जा रही है। OPD वार्ड में कंप्यूटर द्वारा कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन बिजली ना होने के कारण अब मैनुअल कार्ड बनाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें थोड़ा समय लगता है और इस वजह से OPD में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। बिजली की समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। सिविल अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हुए मरीजों की माने तो पिछले कुछ दिनों से बिजली की समस्या चल रही है, लेकिन कल शाम से बिजली नहीं है, जिससे एक रात गुजारनी मुश्किल हो गई। बिजली न होने के कारण मरीजों के 10 दिन मशीनों के जरिए की जाती है, वह मशीन भी काम नहीं कर रही है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो टेस्ट करवाने के लिए सिविल अस्पताल में आए, लेकिन लाइट न होने के कारण टेस्ट मुमकिन नहीं है और उस वजह से इलाज में भी देरी हो रही है। एक तरफ अस्पताल प्रबंधन मरीजों को कोई समस्या न होने का दावा कर रहा है, तो वहीं पूरे सिविल अस्पताल में बिजली न होने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल विभाग को बिजली का पोल ठीक कराने के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब देखना होगा कि कब तक सिविल अस्पताल में बिजली आ पाती है और मरीजों को सुचारू रूप से इलाज मिल पाता है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।